देख सकते हैं कैसे बीजेपी का विकास की सड़कें आपको दिख रही हैं। फरीदाबाद शहर में इतना ज़्यादा विकास हो गया है फरीदाबाद शहर का, ये सड़कों की हालत बहुत बड़ी हो गई। इसी में जब 2 साल हो गए अभी तक ना कोई रोड अच्छी आपको दिखा सकती है। देखिए यहाँ पे दो दो ढाई ढाई फुट के गहरे खड्डे, क्या इसीलिए हमने हमारे प्रिय नेता मोदी जी को अपना वोट दिया था, क्या इसलिए हमने अपना 2014 और 2019 के चुनावों में देश की जनता से कई वादे किए गए। बुलेट ट्रेन से लेकर ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने तक की बात की गई, मगर आज अगर आप जमीनी हकीकत को देखते हैं तो सारे वादे फीके नजर आते हैं। बुलेट ट्रेन में सफर को तो छोड़िए जनाब, इस सड़क को देखिए। महज कुछ ही घंटों की बारिश ने इस सड़क को स्विमिंग पूल बना दिया है। आप देख सकते हैं कैसे बीजेपी का विकास की सड़कें आपको दिख रही हैं। फरीदाबाद शहर में इतना ज्यादा विकास हो गया है फरीदाबाद शहर का, ये सड़कों की हालत आपको दिखा सकती है। देखिए यहाँ पे दो दो ढाई ढाई फुट के गहरे खड्डे, क्या इसीलिए हमने हमारे प्रिय नेता मोदी जी को अपना वोट दिया था, क्या इसलिए हमने अपना कीमती वक्त देके अपना कीमती वोट बीजेपी को दिया कि हमें वो इस तरीके की सुविधा प्राप्त करवाएं। बीजेपी का विकास आपके सामने, देखिए गहरे गहरे पानी में खड्डे में पानी भरा हुआ है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे थोड़ा सा बारिश आने के बाद फरीदाबाद शहर की ऐसी हालत हो जाती है। आपको बता दें कि ये तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद के सेक्टर 8 की है, जिसमें आपको कुछ और दिखे ना दिखे मोदी सरकार और खट्टर सरकार की नाकामी आपको जरूर दिख जाएगी। चलिए रुक करते हैं दूसरी वीडियो का। कहते हैं कि सरकारी काम होने में वक्त लगता है, और कितना वक्त लगता है ये आप खुद देख लीजिए। और कम से कम 2 साल से ये सामान यहाँ के रखा हुआ है, जो कहा जा रहा है कि इससे रोड बड़ी होगी, सीवरेज अच्छी होगी। 2 साल हो गए अभी तक ना कोई रोड अच्छी हुई, ना सीवेज सिस्टम अच्छा हुआ। फरीदाबाद की सड़कें दिन ब दिन जर्जर हालत से जूझती हुई, यहाँ के नागरिकों को इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सीवर और पाइपलाइन बनाने के सामान को यहाँ पर पड़े पड़े 2 साल हो चुके हैं, लेकिन सड़क का श्री गणेश ना जाने कब होगा। इन दोनों वीडियोस को देखकर कई सवाल उठते हैं। आपको बता दें कि हरियाणा और केंद्र दोनों में बीजेपी की सरकार है। हरियाणा की जनता ने वोट तो दिया था काम के लिए, लेकिन उन्हें काम की जगह सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे दिए जा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या इन बदहाल सड़कों के लिए हरियाणा के लोगों ने बीजेपी को वोट दिया था? सवाल ये है कि क्या सरकार जनता को मूलभूत आवश्यकताएं तक मुहैया नहीं करा सकती? इन सवालों के जवाब जरूरी हैं, पर देखना होगा कि आखिर कब तक देश की जनता को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NCR मिरर, फरीदाबाद।